और चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक 4 चरणों में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के पहले चरण की, आपको बता दें कि पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब खेल विभाग की ओर से इन खेलों को हर साल करवाने के साथ ही खिलाड़ियों की संख्या 1 करोड़ और खेलों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में पहली बार हो रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों में पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब अगले साल की तैयारी पहले ही कर दी गई है। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जहां पहले चरण का आयोजन किया गया, तो वहीं 5 अक्टूबर तक 3 चरणों का आयोजन और होने जा रहा है। पहले चरण में पंचायत स्तर पर जहां 29 अगस्त से 1 सितंबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो वहीं अब ब्लॉक स्तर पर दूसरे चरण में 12 सितंबर से 15 सितंबर तक खेलों का आयोजन होगा, तो 22 सितंबर से 24 सितंबर तक जिला स्तर पर और 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन होना है। प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार आयोजित हो रहे इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों में इस साल करीब 30 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं पहले इन खेलों का आयोजन हर 2 साल में करवाने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया था, लेकिन पहले ही साल और पहले ही चरण में खेलों की अपार सफलता के बाद अब इन खेलों को हर साल आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अगले साल खिलाड़ियों का लक्ष्य भी 1 करोड़ करने के साथ ही खेलों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 तक करने पर विचार किया जा रहा है। पहले चरण की अपार सफलता के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इन खेलों का आयोजन हर साल करवाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही खेल विभाग की ओर से एक नई कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अगले साल आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों में जहां खिलाड़ियों की संख्या 1 करोड़ से पार ले जाने की लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं खेलों की संख्या को भी 6 से बढ़ाकर 10 करने की कवायद की जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर अपार सफलता। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक पहले चरण का पंचायत स्तर पर हुआ आयोजन, 12 सितंबर से दूसरे चरण का ब्लॉक स्तर पर आयोजन होगा शुरू। खेलों की अपार सफलता के बाद खेल विभाग ने अगले साल के लिए कसी कमर, अगले साल खेलों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 तक ले जाने की कवायद। फिलहाल कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल, खो खो खेलों को किया शामिल। इस साल ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे 30 लाख खिलाड़ी। अगले साल खिलाड़ियों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचाने का रखा गया लक्ष्य। खेलों को अगले साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का लक्ष्य। खेलों की अपार सफलता के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पहले इन खेलों का आयोजन हर 2 साल में करवाने का प्लान था, लेकिन अब इन खेलों को हर साल आयोजित करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। खेलों से ग्रामीण क्षेत्र में जो माहौल बना है, उससे खेलों के प्रति एक नया उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। गांव का हर बुजुर्ग, महिला, युवा और बच्चे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन खेलों से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उन्होंने जिस दिन आयोजन का उद्घाटन था उस दिन ये घोषणा कर दी कि हम इसको 2 साल में नहीं और हर साल इसको कराएंगे। और इसके अंदर जो गांव के बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, बच्चों का जो रुझान निकल कर आया है, उससे ये पता लगता है कि खेलों के प्रति वो वैक्यूम बना हुआ है और उस वैक्यूम को हमको ओपन करना है। बहरहाल पहले चरण को जहां अपार सफलता मिल चुकी है, तो वहीं अगले 3 चरणों के लिए खेल विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चलते राजस्थान में जो खेलों का माहौल बना है, वो खेल के मैदान पर नजर आ रहा है, जहां 3 पीढ़ी एक साथ खेलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में खेल विभाग की ओर से अगले साल आयोजित होने वाले खेलों को लेकर अभी से तैयारी तेज कर दी गई है। ऐसे में आने वाले समय में खेलों के विकास, साथ ही खिलाड़ियों को उत्साह पैदा करने के लिए खेल विभाग अभी से कमर कस चुका है, तो वहीं इस बार जहां 30 लाख खिलाड़ी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, तो अगले साल 1 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ी खेलों के मैदान पर नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।